नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। 15 अगस्त अभी पास आ रहा है, इसलिए आज हम बनाने वाले हैं 3 कलर केक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं 200 ग्राम बारीक सूजी, 250 ग्राम चीनी और 100 ग्राम दही और 100 ग्राम दूध। फिर यहाँ पे 1 छोटा कप तेल, 1 छोटा कप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और यहाँ पे फूड कलर लेने तिरंगा के, और यहाँ पे पाइनएप्पल एसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम ये केक के बर्तन में अच्छे से बटर पेपर लगा देंगे। तो अब ये बड़े बर्तन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फिर हम अभी एक बड़े बाउल में डालेंगे शक्कर, दही, तेल, और ये सबको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, जब तक ये जो चीनी है वो इसमें घुल ना जाए। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुकी है। तो अब हमें इसके अंदर डालना है सूजी और दूध, और फिर इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और इसका एक बैटर तैयार करना है हमें। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस 2 ड्रॉप। तो फिर हमें इसे पूरे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर हमने बैटर को अलग अलग बाउल में निकाल लिया है, और हमें इसके अंदर डालना है फूड कलर। फर्स्ट हमने डाला है ग्रीन, और बाद में हमने डाला है ऑरेंज। फिर अभी हम इस जो बैटर है फूड कलर वाले, उन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए तो कितना मस्त कलर है ऑरेंज का, और इसी तरह सेम हमें ग्रीन को भी मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा और अच्छा लग रहा है, मस्त शाइनिंग मार रहा है। तो फिर अभी हमें इसे केक के बर्तन में डालना है। तो आप देख सकते हो ये अच्छी तरीके से मस्त, अगर आपको लेयर इसकी बनानी है तो अभी देखो, फर्स्ट हमने ग्रीन लेयर बनाई, अब इसके ऊपर हमें वाइट लेयर डालनी है, फिर उसके ऊपर ऑरेंज डालनी है। ऐसे ही हमें एकदम करते जाना, और हमें इसे टैप टैप करते जाना है, थोड़ा अच्छे से हो जाए। फिर अभी इसके ऊपर हम डालेंगे ऑरेंज लेयर, फिर ऑरेंज लेयर के ऊपर रिटर्न ग्रीन, हमें यही जो साइकिल है वो रिटर्न करते जाना है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा और अच्छा लग रहा है, जैसे लेयर्स बनाई है, कितना मस्त लग रहा है। फिर हमें इसे टूथपिक से ऐसे कुछ डिज़ाइन करना है, आप अपने मन से भी ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो कुछ। तो देख सकते हो आप कितना ये मस्त लग रहा है, आप भी ऐसे ही सेम डिज़ाइन भी बना सकते हो, तो कितना ये प्यारा सा लग रहा है। इसका फाइनल कुछ लुक कुछ ऐसा है, वाव कितना अमेजिंग लग रहा है। तो अभी इसको बड़े वाले बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे, और इसको 25 से 30 मिनट तक बेक होने के लिए रख देंगे। 25 से 30 मिनट बाद आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है, कितना प्यारा सा ये स्पंजी केक कितना अच्छा है। फिर हम टूथपिक से इसे चेक करें कि कच्चा है या पका। तो अभी ये इसको हम निकाल देंगे, और आप देख सकते हो वाह कितना प्यारा अमेजिंग केक लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद इसे कूल करने के बाद इसके जो किनारे उसे कट करके हम इसको इस केक को निकाल लेंगे। फिर जो नीचे बटर पेपर है ना वो भी हम निकाल देंगे। सो गाइस आप देख ही सकते हो इसमें कितना स्पंजी केक बना है, वाह कितना टेस्टी होगा ये, इतना मस्त लग रहा है ना, वाह। तो फिर हम इसको आपको कट भी करके दिखाते हैं। ये देखो वाह कितना प्यारा स्पंजी फ्लफी सा केक बना है, देख सकते हो, ले लीजिए गाइस आपके लिए। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।